हेलो गाइस, राशि की रसोई में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक यूनिक और डिलीशियस सी रेसिपी जिसका नाम है व्हाइट चिकन कौरमा। इसे हम व्हाइट चिकन करी भी कह सकते हैं। तो चलो इसे हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम होल चिकन। इसे हमें करना मैरिनेट। यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाला है नमक। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे। आधा चम्मच डाल देंगे काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच डालेंगे लेमन जूस। और साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच दही के। तो यहाँ पे मैंने मैरिनेट करने के लिए इसको अच्छे से स्क्रब किया है। ध्यान रखें जब इसे स्क्रब करें, रगड़ रगड़ के करें, ताकि इसमें जो मसाले और लेमन जूस डाले अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सेकंड स्टेप जो है हमारा, मैंने यहाँ पे लिए 15-16 काजू, उसमें मैंने डाली है 4 हरी मिर्ची। इसको मैंने गर्म पानी में डाला है, इसलिए डाला है कि काजू जो हमारे सॉफ्ट हो जाए। और इसे मैं बनानी है इसकी अच्छी सी पेस्ट। अब यहाँ पर मैंने तेल को गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले। सबसे पहले एक लिया मैंने दालचीनी, 2 लिए तेज पत्ते, 4 हरी इलायची हैं और 6 से 7 लिए काली मिर्ची। और इसे हम अच्छे से भून लेंगे ताकि जो इसमें सारे फ्लेवर आ जाएं और तेल में सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 प्याज जिसको मैंने पेस्ट बना के लिया है। ध्यान रखें हमें सारी रेसिपी में पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, हमें सिर्फ 2 मिनट तक पकाना है ताकि इसमें ये तेल में मिक्स हो जाए। कि इसलिए कि हमें व्हाइट कौरमा बनाया है, इसका कलर हमें बिल्कुल नहीं चेंज करना है, तो ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पे प्याज मैंने भून लिया। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। तो इसे भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना, 2 मिनट तक ही पकाएंगे। और यहाँ पर ऐड कर देंगे मैरिनेट चिकन और इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ध्यान रखिए पहले हमें मैरिनेट के टाइम डाला है नमक, तो उतना ही डालें ताकि तेज ना हो जाए। तो यहाँ पर हम चिकन को पकने के लिए रखेंगे 10 से 15 मिनट तक ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसको लेड लगा के पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चिकन को खोल के देख रही हूँ कि चिकन हमारा सॉफ्ट हो गया। देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। चिकन हमारा यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी दही ऐड करी थी। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप भी थोड़ी ग्रेवी बनाने के लिए दही ऐड कर सकते हो। और मैंने दही ऐड करने के बाद इसको मैंने 2-3 मिनट और पका लिया है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे से सारे खड़े मसाले निकाल सकते हैं। इसको मैं निकाल रही हूँ। और यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमने काजू की पेस्ट बनाई थी। तो यहाँ पे लेड लगा के मैं 2 से 3 मिनट तक पका लेना ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से इसमें आ जाए। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्ची 3 से 4। इसको जो फ्लेवर देगा बहुत अच्छा आएगा। जब आप चिकन खाएंगे ना, तो इसका जो फ्लेवर मिर्ची का उसके साथ जब खाओगे बहुत मज़ेदार आता है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 4 चम्मच मलाई। आप यहाँ पे फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हमें इसको ढक के 2 से 3 मिनट बाद दोबारा पकाना है। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। वाइट करी है तो इसमें जब हम कसूरी मेथी डालेंगे तो उसका जो कलर आएगा उसमें अलग ही आपको दिखेगी। उसमें मतलब कि उसका कलर डिफरेंट सा आता है और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चिकन हमारा बनके बिल्कुल तैयार है।
तो यहाँ पे गैस की फ्लेम करेंगे बंद और चिकन को हम ढक के रखेंगे 4 से 5 मिनट तक, फिर इसे हम करेंगे सर्व। तो यहाँ पे हम गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। तो यहाँ पे गाइज आपने देखा हमारा जो चिकन कोरमा एकदम फाइट करी और डिलीशियस रेसिपी है और कितनी जल्दी बन जाती है, जब भी आपका दिल करे जल्दी जल्दी से उसको बना सकते हो आप। तो आप भी अब यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको बनाएं और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ।